अरिहंत परमात्मा की पूजा से। एक बात कहना चाहता हूं, जैनाचार जैन श्रावक श्राविकाओं के आचार के लिए परमात्मा ने एक आवश्यक कृत्य बतलाया है। फिर से कहना चाहता हूं, जैनाचार के अंतर्गत स्वयं अरिहंत परमात्मा ने एक आचार बतलाया है। उस आचार के लिए शब्द है चतुर्विंशति स्तव। चतुर्विंशति, चतुर यानी कि चार, विंशति यानी कि बीस, चार और बीस चौबीस। चतुर्विंशति स्तव, स्तव यानी कि उनकी स्तुति, उनके स्वरूप का विचार। और उनके स्वरूप का विचार उनके ध्यान के लिए, उनके स्वरूप का विचार वैसी ही शक्तियां हमारी आत्मा में भी हैं, उनको जागृत करने के लिए। और अरिहंत चाहे भूतकाल में हो गए, चाहे भविष्य काल में होंगे, चाहे वर्तमान काल में है, परमात्मा के स्वरूप को अपने आप में संजोए हुए यदि कोई गागर में सागर के समान, छोटे से बट के बीज में विशालतम वट वृक्ष के समान अगर कोई बीज स्वरूप में स्तोत्र है, तो वह स्तोत्र है वस्तुति पाठ। मैं आप सभी जनों से आग्रह करूंगा, क्योंकि हमें जैन धर्म, जैन धर्म के अंतर्गत आज सामान्य रूप से मैंने थोड़ा सा अरिहंत परमात्मा, अरिहंत देव का स्वरूप आपको बतलाया। चार घाती कर्मों से मुक्त होते हैं, इसीलिए 18 दोषों से भी रहित होते हैं। परमात्मा के सेवा में करोड़ों करोड़ों देवता रहते हैं, और आप मानेंगे नहीं, वे परमात्मा की सेवा करते हैं और परमात्मा की सेवा में वे कुछ काम करते ही रहते हैं, और जो वे काम करते हैं केवल ज्ञान की प्राप्ति के बाद, वे काम आठ हैं। वे काम कितने हैं? आठ। वे काम कितने हैं? आठ। और उन आठ कामों के लिए एक शब्द है प्रतिहारी। आप लोगों ने कभी देखा होगा मंदिरों के दरवाजों पर दरवाजे के एक तरफ इधर और एक तरफ उधर डंडा और यूं रखे हुए द्वार पर, प्रतिहारी का नाम यानी कि द्वार। और प्रतिहारी का काम प्रातिहार्य, द्वारपाल का काम क्या? द्वार पर बैठा रहता है, द्वार पर खड़ा रहता है, आने जाने वाले के ऊपर पूरा ध्यान रखता है, कौन आया कौन गया। और तुमको एक बात कहना चाहता हूं, हमारी भारतीय संस्कृति में जो देवालय होते थे, आज की तारीख में भी तुम चले जाओ तमिलनाडु में जाओ, कर्नाटक में जाओ, तुम देवता की प्रतिमा इक्की दुक्की मिलेगी, मगर मंदिर के चारों तरफ बड़े भयंकर आकार में तुमको देवी देवताओं के रूप मिलेंगे, तुम देख सकते हो, आज की तारीख में भी जाओ। और आपने गौर करना, गौर करना, कोई भी तुम लोगों की ओर नहीं देख रहा है,
वो यूं देखता है, नीचे की ओर देखता है, आने जाने वालों पर उसकी दृष्टि रहती है कि हरामखोर कोई दुष्ट तत्व अंदर न चला जाए। हमारा ये जो प्रातिहार्य है, द्वारपाल किसी भी गुंडा तत्व को अंदर नहीं आने देता है, अनिष्ट तत्व को अंदर नहीं आने देता है, वो उसके प्रतीक है। आप कभी भी देखो, कहीं पर भी देखो, एक मंदिर में नहीं, सैकड़ों मंदिरों में तुम देख लोगे, कभी भी तुम लोगों की ओर नहीं देखेंगे, वो जमीन की ओर देखेंगे, यानी कि आने जाने वाले पर ही उनकी दृष्टि रहेगी। ये हमारी भारतीय संस्कृति, परमात्मा के आठ प्रातिहारे, कितने आठ प्रातिहारे, ये गुण है। जिस क्षण से परमात्मा को केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, उसी क्षण से लेकर के निर्वाण के समय तक आठ चीजें परमात्मा के साथ में जुड़ी रहती हैं 24 घंटे, चाहे वे चले चाहे वे बैठे। प्रतिहारी की तरह, ब्लैक कमांडो की तरह, वे नाम हैं अशोक वृक्ष, सुरपुष्प वृष्टि, चामर, सिंहासन, भामंडल, दुंदुभिनाद और तीन छत्र। परमात्मा 18 दोषों से रहित और परमात्मा 12 गुणों से युक्त। 18 दोष अंतराया दान लाभ वीर्य भोग उपभोग का अंतराय कर्म के 5 स्वरूप होते हैं और अंतराय कर्म मिट जाने के कारण से तल जाते हैं। हासो रत्य रति भीतिर जुगुप्सा शोक एवच, ये मोहनीय कर्म के रूप है। राग द्वेष ये सब मोहनीय कर्म के रूप है, यही आंतरिक शत्रु हैं। तो ये 18 दोष 4 घाती कर्मों के क्षय के परिणाम स्वरूप, ये जो 12 गुणों में से 8 गुण जो जिनको कि हम 8 प्रातिहारे कहते हैं, मैं इसलिए तुमको ये बतला रहा हूं कि परमात्मा की प्रतिमा जो परिकर युक्त होती है उसमें 8 प्रातिहारे ही होते हैं, इसीलिए वो अरिहंत की प्रतिमा कहलाती है। अरिहंत हमारा देव है ना। तो जिस पल से, जिस क्षण से वे 4 घाती कर्मों का क्षय कर देते हैं, उसी पल से उनके साथ में 8 प्रातिहारे रहते हैं। इसीलिए जैनी प्रतिमा, हम तो दो को ही देव मानते हैं, अरिहंत और सिद्ध को। अरिहंत जो कोई भी होगा वो 8 महाप्रातिहारियों से युक्त होता था और होगा। इसीलिए जैन श्वेतांबर मूर्ति पूजक परंपरा के मंदिर में आपको प्रतिमा परिकर सहित मिल जाए तो 8 प्रातिहारियों का ध्यान अवश्य मिल करना, क्योंकि वो अरिहंत जब से बने तब से उनके साथ में हैं।